हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज मैं अपने फार्म पे जो हमारे बटेर पे जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनके फेदर को लेके उसके बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि साथ ही साथ आज हमारे फार्म में हम सभी भाई लोगों की पार्टी चल रही है, जहाँ पे आज हम हांडी चिकन बनाने वाले हैं। तो इधर जब तक हांडी चिकन तैयार होता है तब तक मैं आपको अपने फार्म के अंदर लेके चलता हूँ और उस चीज़ के बारे में बताता हूँ जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बता दूँ कि जब हमने ये बैच डाला था हमारे बटेर का, तो उस समय थोड़ा शादियों का भी सीज़न चल रहा था और मैं अपने दूसरे फार्म के काम को लेकर, बाहरी काम को लेकर व्यस्त था, जिस वजह से हम इस बार की बैच में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। और वजह ये हुआ कि शुरुआत में ही इनको थोड़ी सी प्रोटीन की भी कमी हो गई और गर्मी होने के कारण ऑलरेडी ये चिक्स जो हमारा थोड़ा सा परेशान रहा। तो इनका थोड़ा सा जो पीठ पे जो बाल होते हैं वो ठीक से नहीं निकले और इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी धीमी रही इस बार। तो अभी इसके कारण, इनकी ग्रोथ धीमी होने के कारण, इनके पंख ठीक से नहीं निकलने के कारण, पीठ के बाल कुछ बर्ड ने इनके एक दूसरे को नोच लिए, इस कारण ये बर्ड हमारा हेल्दी नहीं दिख रहा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं कि हम इसको अगले एक हफ्ते के अंदर फिर से एक हेल्दी बर्ड बना देंगे। और इसके लिए आज मैं आप क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको आज बटेर की इस बैच को ठीक से देखने पे ये पता चला कि इनकी बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम की भी सबसे ज़्यादा कमी है। कैल्शियम और प्रोटीन की कमी को पूरी करने के लिए हमने सबसे पहले इनकी जो डाइट है वो थोड़ी चेंज की और जो प्री स्टार्टर फीड हमने शुरुआत के एक वीक में ही बंद कर दिया था उसको फिर से स्टार्ट किया। साथ ही साथ इनके पंखों की अच्छी ग्रोथ के लिए, इनके फेदर की अच्छी चमक के लिए हम इनमें कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करने वाले हैं जो बड़ी ज़रूरी होगी अगले 7 दिन तक। सबसे पहले हम जो इनको दवाई देंगे वो होगी बी कॉम्प्लेक्स। जो हमने एक दवाइयों का वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बी कॉम्प्लेक्स हर मायने से बहुत अच्छा होता है बर्ड के लिए। अगर हमारे बर्ड के पंख झड़ रहे हो तो उसमें दे सकते हैं, बर्ड को साइनिंग लाना तो उसमें दे सकते हैं, जो भी फीड में कमी हो रही हो तो बी कॉम्प्लेक्स उसको पूरी कर देता है। उसी तरीके से हम बी कॉम्प्लेक्स के साथ हम देंगे ऑस्टोवेट। ऑस्टोवेट जो होता है कैल्शियम की एक मेडिसिन होती है, हमारे इस बर्ड में कैल्शियम की भी काफ़ी कमी, तो हम इस पूरे वीक ऑस्टोवेट के साथ बी कॉम्प्लेक्स चलाएंगे। पूरा हफ्ता हम ये दो ही मेडिसिन चलाएंगे। देखिए, ऑस्टोवेट और बी कॉम्प्लेक्स देने से कैल्शियम और मल्टीविटामिन दोनों की कमी पूरी होगी। बर्ड की बॉडी में कैल्शियम मिलेगा, मल्टीविटामिन से उसका फेदर ठीक से निकलेगा और साथ ही साथ हम उसको देंगे वीक में एक या दो बार शाम के समय में लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक इसलिए देंगे कि अगर किसी तरीके की उसके लीवर में दिक्कत हो या डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत हो तो लीवर उसको बूस्ट कर देगा। और इस एक वीक के मेडिसिन के कोर्स के बाद आप जो वीडियो में फेरोल वेट देख रहे हैं हम वो भी अपने बटेर के बर्ड को देंगे। देखिए, फेरोल वेट एक ऐसी दवा है, ये माल्ट बेस्ड मल्टीविटामिन है लेकिन इसमें आरबीसी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट है, तो हम इसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे अपने। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि अगले एक हफ्ते के इस दवाइयों के शेड्यूल से और अच्छे प्रोटीन फीड से ये बर्ड हमारा फिर से अच्छा हेल्दी हो जाएगा। इनके शरीर पे पूरी तरीके से बाल आ जाएंगे, इनके फेदर अच्छे हो जाएंगे, चमक अच्छी हो जाएगी, वेट इनका तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। और वैसे भी गर्मी के मौसम में फार्मिंग करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इस समय में हम किसी भी तरीके की फार्मिंग कर रहे हों, अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग में ब्रॉयलर फार्मिंग हो, कॉकरेल फार्मिंग हो, सोनाली की फार्मिंग हो या बटेर की फार्मिंग हो, गर्मी के सारे मौसम में सारे तरीके के बर्ड हीट से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और हीट से ज़्यादा परेशान रहने की वजह से वो फीड भी कम खाते हैं और फीड अगर कम खाएंगे तो उनकी बॉडी को कम प्रोटीन मिलेगा, कम एनर्जी मिलेगी, जिससे उनकी ग्रोथ भी आराम से होती। ग्रोथ का जो फंडा रहता है गर्मी में वो काफ़ी स्लो हो जाता है, इस वजह से हमारी फार्मिंग थोड़ी सी कठिन हो जाती है। और गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा किसान ये चाहता है कि उसका बर्ड सर्वाइव करे। वजन तो सेकेंडरी पर्पस हो जाता है लेकिन अगर उसका बर्ड ठीक से सर्वाइव कर लेगा, वो ठीक से बचा लेगा, तो उसको वजन थोड़ा, जो वजन उनको 35 दिन 40 दिन में मिलता है वो एक हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद मिलेगा। लेकिन बर्ड को सर्वाइव करवाना शुरुआती के दिनों में ये ही सबसे पहला कठिन टास्क होता है उनका। दूसरी ओर बात करूँ हमारी सोनाली मुर्गी की, तो धीरे धीरे हमारे पास जो अंडों की संख्या अब बढ़ रही है, जो शुरुआत के टाइम पे हमको
अंडे जो 5-6 से अंडे मिला करते थे, अब वो बढ़कर 20 से 30 अंडों की संख्या हो चुकी है और अंडे भी हमारे धीरे धीरे हमको बड़े साइज़ के मिल रहे हैं। और इसलिए अब हमने पोल्ट्री में सोनाली मुर्गी के लिए हमने कैल्शियम देना शुरू कर दिया। कैल्शियम के साथ साथ उनको हम दूसरे और ऐसी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे मोरिंगा की पत्तियां दे रहे हैं, उनको मल्टीविटामिन दे रहे हैं कि ठीक से उनको कैल्शियम मिले, उनको मल्टीविटामिन मिले और अंडा जो है हमको अच्छा प्राप्त हो, क्योंकि हम इस अंडे को आगे चल के हैचरी मशीन में लगाने वाले हैं चिक्स के लिए। और अभी जो हम हमारी सोनाली मुर्गियों को फीड दे रहे हैं वो लेयर का फेज़ वन फीड दे रहे हैं। तो ये थी हमारे फार्म के अंदर की सोनाली मुर्गी और बटेर के बारे में जानकारी। आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।